चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, आज सेब हमारे मेहमान के सीजन टू में मुराद जाफरी आपको खुशामदीद कहता है। सीजन टू? हाँ हाँ सीजन टू। इस बार किसी नए जिन या भूत या रूह से मिलवाने पे हम देंगे आपको पूरे 10 लाख। 10 लाख? हाँ, तू बह रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। जाओ जाओ जाके तलाश करो कोई जिन भूत या भटकी हुई रूह, क्या पता पूरे 10 लाख तुम्हें मिल जाए। भटकी हुई रूह? याहू। मुस्तकीम मैंने वो कर लिया। वो क्या? वो जो इस घर में सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। सबको परेशान? परेशानी वो। अरे वो क्या लगा रखी है तुमने मोमो? एक ही दफा बताओ कि तुमने क्या फैसला किया। हाँ, फैसला मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझसे इस घर के काम नहीं होते। तो फिर बस आज से सारे कामों की जिम्मेदारी मैं इस नसरीन को देती हूँ। कौन नसरीन? तू और कौन? मैं अकेली नहीं कर सकती सारे काम माँ जी। हाँ तो अपने पापे से कह के 10-12 नौकर रखवा दे। माँ जी जानू ले आ गया आपका बेटा, इससे कहे आपके लिए एक मुलाजिम रखते। अरे एक नौकर? मैं तो अपनी माँ जी के लिए नौकरों की पूरी फौज रख दूंगा। मुझे तुम रखवाओगे वो नौकरों की फौज होगी? हाँ जी। वो कैसे? अरे आप लोगों को वो प्रोग्राम याद है आसेब हमारे मेहमान, अब उसका सीजन 2 आ रहा है और इनाम की रकम ये 10 लाख। 10 लाख? लेकिन भाई इस मरतबा तुम्हें भूत बनना होगा। वो कैसी बातें कर रहे हैं यार महमूद साहब, इस बार तो हमारे पास असली रूह है। खबरदार जो उस रूह को बुलाने का सोचा भी तो भाई, गायब है तो गायब रहने दो। जानू उस रूह को तो आना ही होगा वरना तुम्हें रूह बनना पड़ेगा। शट अप नबील, इट्स नॉट ओके जानू। चले महमूद साहब हम उस होस्ट को फोन करते हैं। आए आ जाओ आ जाओ। आओ आओ। अब देखना प्रवीण, मैंने तो हिल के वो भी नहीं पीना है। ओके देख, जब तक किसी नौकर का इंतजाम हो तू 4 परांठे बना दे। हेलो हेलो आसेब हमारे मेहमान। ये तो हमारा प्रोग्राम है। अरे तो भाई मैं कौन सा कह रहा हूँ हमारा प्रोग्राम है, मैं तो आपको अपने घर बुलाना चाह रहा था। ओहो तो किस किस्म की आसेब है तुम्हारे घर पर? हमारे पास एक बड़ी खतरनाक रूह है, सालों से इस घर में रह रही है। हेलो, हाँ हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। सुने आप 10 लाख रुपए लेके आ जाए और 5-5 हजार के नोट लाइएगा, जरा गिनने में आसानी होगी। मैं पूरी तसल्ली करके पैसे दूंगा भाई, उसे पहले वाले उसको भी इसलिए निकाला गया था कि उसने किसी फ्रॉड पार्टी को 2.5 लाख एडवांस दे दिया। अरे यार पूरी तसल्ली कर लेना ना तुम अपनी, अगर हम झूठे निकले ना तो तुम 10 वापस ले लेना बस। कमाल है, फिर तो अपना एड्रेस सेंड करो मैं पहुंचा। ओके बाय। ओ यार मैं महमूद साहब ये आपने क्या कर दिया, 10 लाख वापस कहां से देंगे? आपका सिर्फ मुंह बड़ा है बैंक बैलेंस नहीं। अरे नबील मैंने उसे सिर्फ 10 कहा है, लाख नहीं कहा। और वैसे भी हमें ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे यार, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, अगर वो कनीज ना मिली तो? अरे कैसे नहीं मिलेगी भाई, सालों साल से वो इसी घर में तो रह रही है, छुपी होगी किसी नुक्कर में, अभी तलाश कर लेते। चलो ये पकड़ ये पकड़, आ जाओ आ जाओ। कनीज कनीज कहाँ हो तुम? कनीज कहाँ हो? कहाँ हो तुम कनीज? नबील तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं जानू मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो मैं काम करो तुम पापा जी से कहो मुझे इलाज के लिए ना अमेरिका भेज। शट अप नबील, तुम क्यों कनीज कनीज चला रहे हो, इस तरह तुम्हारे बुलाने से वो वापस नहीं आ जाएगी। तो तुम बुला के देख लो। मुझे उसे देखने का कोई शौक नहीं है। जानू मेरा मतलब है ट्राई तो करो यार, उसके आने से हमें ही फायदा होगा ना। मेरा कोई फायदा नहीं है। क्या बात कर दी जानू तुमने, मैं सोच रहा था उस 10 लाख में से कम अज कम 500 मैंने तुम्हें दे देने। कनीज 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 कनीज। अरे यार ये कहाँ हो सकती है कनीज? आपके ऐसे बुलाने से रूह नहीं आएगी इश्फा। महमूद महमूद को बुलाने से भी नहीं आएगी। अरे भाई तो फिर किसके बुलाने से आएगी, तुम कुछ बता सकती हो? मैं बताती हूँ आपको कि रूह कैसे बुलाते हैं। मेरे साथ आए आप, चलिए और महवश को और तील को भी बुलाएं। अच्छा आराम से भाई आराम से, चलो ये भी देख लेते हैं।
अरे भाई तो गोटियां भी तो लेके आओ ना। ओ माँ जी, हमने लूडो नहीं खेलनी यार, हमने रू बुलानी है। चुप है, इस बोर्ड की मदद से ना उस चुड़ैल को बुलाऊंगी मैं। माँ जी ये लूडो है, इससे कोई रू नहीं आएगी। तुझे कुछ नहीं पता फिरजाना, तू देखना कैसे रू आएगी। अभी आएगी, तू उंगली रख। ओ जाहल, इधर नहीं गिलास पे रख। तबस्सुम, तू जहाँ कहीं भी है इस गिलास में आ जा। अरे हमें तबस्सुम को नहीं, कनीज को बुलाना है। जो आ रही है ना इसमें खुश हो जाए मुस्तकीम, ज्यादा फरमाइश ना करे। ओ माँ जी, हमारी वाली रूह का नाम कनीज है यार, कनीज। पुत्र, हम सब की एक रूह आएगी। माँ जी जो हमारे घर में रहती है उस रूह का नाम कनीज है, आप कनीज को बुलाएं। अच्छा अच्छा, फिर से बुलाती हूँ। कनीज, कनीज किथे मर गई है, जल्दी आ, तुम सब मिलके बुलाओ ना। बोलो बोलो। कनीज, कनीज डार्लिंग, कनीज बुला। प्लीज आ जाओ। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? देखा ना बच्चों, मैंने बुला लिया चुड़ैल। मैं चुड़ैल नहीं, रूह हूँ, और मैं तुम्हारे इस ड्रामे के लिए नहीं आई, बल्कि अपने काम से आई हूँ। चलो अब आई गई हो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो प्लीज। वाह, पिछले एपिसोड में मुझसे भागते फिर रहे थे और अब काम आ गया। चलो बाहर चल के बात करते हैं। पुत्र, ये तो फिर वो हो गई है। बस माँ जी, अब उस कनीज को शीशे में उतारना किसी तरह। शीशा नहीं है पुत्र, ग्लास में उतारने चलेगा। माँ जी चले, चलो चलो यार। मुझे कोई शौक नहीं है उस बदतमीज रूह की मिन्नत समाजत करने का। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। चले बाबू साहब, चले 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 चले। महमूद साहब, कनीज पे फोकस करें। ए अंकल, खबरदार जो मुझ पे फोकस किया तो। अरे कनीज, तुम कहाँ थी? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। शहर की सारी भटकी हुई रूहों की चेयरपर्सन हूँ मैं, बस वही बिजी थी आज। अरे कैसी मीटिंग भाई? तुम इंसानों के हवाले से कैसे तुम लोग आमिल बाबे बुला बुला के हमें परेशान करते रहते हो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बुलाएंगे, मुझे इश्फाक के बड़े मुंह की कसम। हाँ, हाँ, तुम ना हमारा एक काम कर दो, हमारे लिए ना एक छोटा सा इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू? अरे हाँ, सोचो तुम अपनी रूहों में कितनी मशहूर हो जाओगी, बल्कि रूहों की सेलिब्रिटी बन जाओगी। हाँ, हाँ, और हमें भी 10 करोड़ मिलने हैं फिर। 10 लाख मोमो। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग कितने लालची और मक्कार हो। थैंक यू पुत्र, चल जल्दी से तुझे मैं इंटरव्यू की तैयारी करा दूं। मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी, खबरदार जो तुम लोगों ने मुझे इंटरव्यू देने में मजबूर किया तो तुम सबको लॉन में उल्टा लटका दूंगी। अरे पुत्र, अब क्या करें? माँ जी, हाँ, कुछ सोचते हैं। हाँ, कुछ सोचे। मेरा ख्याल है उल्टा लटकने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओ यार बाबू साहब, मैंने भी उल्टा लटका यार, मेरी चीजें गिर जाती। खूबसूरत, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारा नाम खूबसूरत है? हाँ? तुमसे ज्यादा खूबसूरत और वेल ड्रेस्ड रू मैंने आज तक नहीं देखी। मैं रू नहीं हूँ मिस्टर। वाह भाई, आजकल की तो चुड़ैलें भी इतनी हसीन है। मैं चुड़ैल भी नहीं हूँ मिस्टर। मैं समझ गया, तुम जरूर कोहकाफ की कोई परी। मैं इंसान हूँ। शुक्र है। और शादी शुदा भी हूँ। पहले बताना था ना बाजी, सारा टाइम जाया कर दिया। नबील है अंदर? हाँ। चल भाई, चल अंदर आ, काम शुरू करें यार। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ भाई, रेडी है? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सुन वे बलोरी अखवाले, टेंट 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 टेंट, असां दिल तेरे नाल लाले, खटे डे टेंट टेंट टेंट। ओ कट करो यार। क्यों सूट ठीक नहीं था पता? उधर जाओ। हाँ? अरे ये कोई डांस म्यूजिक कंपटीशन है यार, ये रूहों और भूतों को ढूंढने का प्रोग्राम है, अपनी एपिसोड शूट करनी है मुझे, बुलाओ शुरू को। मैं महमूद हूँ। उई, इतने बड़े मुंह वाला जिन? आपसे तो 1-2 इंच छोटा ही होगा, वैसे मैं जिन नहीं हूँ। ओ भाई, बड़ा है मनुष्य तो नहीं है ना? और भाई अगर तू जिन नहीं है तो मैं तेरा इंटरव्यू क्यों लूं? वो रूह कहाँ है जिसके लिए मुझे फोन करके बुलाया गया है? मुराद भाई, मैं नबील, मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। दे एडवांस तो देना। बॉस, एडवांस मत देना, पहले भी उन्होंने हमें नकली रूह दिखा दिए थे। ओ भाई, इस बार असली रूह है, ये देखो बैठी हुई है। ये तो बड़ी प्यारी है, पर मैं कैसे मान लूं कि ये रूह है? मैं अभी बताती हूँ, देख कैसे गायब होती है। चल पुत्र नरीन, गायब होकर दिखा। 1-2-3, देखा कैसे गायब हुई है? क्या बकवास है, वो तो सामने बैठी दिखाई दे रही है मुझे। कनीज प्लीज, मुराद भाई को ना गायब होकर दिखा दो।
अगर गायब नहीं होना तो गायबाना दो चार चपेड़े करा दो मुराद भाई को प्लीज। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, मैं इंसान हूँ कोई रू नहीं हूँ। वाह, अब क्या करोगे नबील, अब कैसे मिलेंगे तुम्हें 10 लाख रुपए? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी अब तुम लोगों को। ओए पैकअप करो, चलो यहाँ से। भाई 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 मेरे काम सुन। अरे भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई अरे हमारा यकीन करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और छोड़ो अंकल, तुम तो शक्ल से झूठे लगते हो। भाई मेरा एतबार कर लो, मेरी नेक नामी और सच्चाई की तो लोग कसमें खाते हैं। कौन लोग? घर के ही दो चार। नहीं भाई नहीं, तुम लोगों की बातों का यकीन नहीं है मुझको, झूठ बोल के बुलवा लिया मुझको। नहीं नहीं ना मुराद भाई। क्या मेरा मतलब है मुराद भाई, वो सच मुझ की रूह है, कसम से वो रूह है, और पल भर में गायब हो जाती है। हाँ, और पता है वो ना सबको थप्पड़ मारती है। भाई थप्पड़ भाई थप्पड़। हाँ। यू 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 पता है कुछ दिन पहले उसने क्या किया, महमूद साहब को छत पे उल्टा लटका दिया था, क्रेन मंगवानी पड़ी थी महमूद साहब को उतारने के लिए। ये तो बड़ी खतरनाक बात है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, उस खतरनाक रूह का इंटरव्यू लोगे आप तो सोचो कितनी वाह होगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं यही लॉन में रिकॉर्ड करूंगा, तुम लोग उसको बाहर भेजो, मैं खुद बात करके देखता हूँ। क्या कर रहा है, डरा क्यों रहा है? वहां पे कैमरा सेट कर और बॉस सब कुछ सही से रिकॉर्ड कर लेना, समझा? जी बॉस। चल 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 जल्दी कर। क्या कर सकते हैं तमीर साहब, अल्लाह की मर्जी में तो ये पूरा एपिसोड रोती रहती है। मैं रोके दिखाऊं तुझे? नहीं, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं, शहाना दबा देगी तेरा सर। मैं बिल्कुल नहीं दबाऊंगी इसका सर। ज्यादा नखरे ना कर रुकैया, मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। तो खूबसूरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू सर ना दबाए। चल सर दबा। क्या हुआ वो फ्राक चला गया? मुराद मोमो मुराद। वो बड़ी मुश्किल से रोका है माँ जी उसे, वो कनीज से बात करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है अकेले में। हाँ। मैं किसी अनजान आदमी से अकेले बात नहीं करूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तुम भूल रही हो कि तुम सिर्फ एक रूह हो और तुम चुड़ैल। प्लीज कनीज हमारी मदद करो, हम वादा करते हैं कि 10 लाख मिलते ही हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। ये घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे नबील? टंडू पापा जी के पास जाऊंगा ना, फिर पापा जी के साथ कारोबार शुरू करूंगा, वहाँ फिर पापा जी के बंगले के सामने एक बड़ा सारा बंगला बना लूंगा। बोलो, पापा जी के बंगले के सामने एक बड़ा सारा बनाओगे वो बंगला होगा? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। लॉजी में वो सब 10 लाख आ रहे हैं। मेरा कितना हिस्सा होगा नबील? वो बस कर दे यार, गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। कितने लुटे पुत्र बता? ये ले भाई। अरे क्या करे, अरे कितना प्यारा मुस्कुराती हैं आप, लगता ही नहीं है सालों पहले मर चुकी हैं। क्या, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो ये लोग सब तुमको रूह साबित करने पे क्यों तुले हुए? भाई पागल है ये सब लोग, मैं तो इनके पड़ोस में रहती हूँ। इन लोगों ने मुझे बुलाया, कहा कि एक छोटा सा इंटरव्यू देना है, लेकिन अब पता चला कि रूह की एक्टिंग भी करनी है। क्या? कितने फ्रॉड है ये लोग, छोड़ो वाली मैं लोगों को। अरे गुस्से में आप कितने क्यूट लग रहे हैं। क्या क्यूट बॉस, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अबे तूने ये भी रिकॉर्ड कर लिया? अब जा जाके चाय पी। क्या बॉस, मैं चाय नहीं पीता। मैं तो जाके जहर पिया। बॉस आपके लिए भी लानी। अच्छा मैं आऊं क्या? अब कहो क्या कह रही थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे पसंद करने लगी? कहाँ जाऊं मैं इतना हुस्न लेकर? रब्बी पिल्ले वाली जूते उत्ते सूट और रुमानी, पिल्ले हो गए लुंगी उत्ते टी शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी, ए जवानी पर महंगी सुशी खानी। बॉस क्या हो गया आपको? तू अब चल चल चल। नबील बंद करो ये तमाशा, मुझे नहीं लगता कि वो एंकर तुम्हें 10 लाख रुपए देगा। बस कर दे, कभी कोई अच्छी बात ना करना सोनिया। खूबसूरत? हाँ, कभी कोई खूबसूरत बात ना करना। ओ बस कर दे यार आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि वो रूह हमारा साथ देगी। अरे मुराद भाई आ गए। आ मुराद भाई, इंटरव्यू हो गया? देखिए मुराद भाई, चेक आपने ना मेरे नाम का बनाना है, क्योंकि मैं इस घर का ना बड़ा हूँ। इनका सिर्फ मुंह बड़ा है भाई, घर का करता धरता मैं हूँ, चेक मेरे नाम का बनेगा। अब बस करता तुम लोग, कौन सा चेक, किधर का चेक, वो तो रू ही नहीं है। वो रू इंसान बन गई है। वो इंसान ही है और इतने प्यारे इंसान की वजह से प्यार हो गया। हाँ
और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ओ भाई, रात के 12 बजे हाथ में मोमबत्ती पकड़कर वो कब्रिस्तान जाती है और वो के साथ वो टेस्ट करती है, वो उनकी चेयरपर्सन है। और बस करो, बकवास बंद करो, पता लग चुका है मुझे वो बेचारी रू नहीं है, वो मासूम लड़की है, तुम लोग रू बना रहे हो उसको, और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और शुक्र करो मैं पुलिस नहीं बुलवा रहा। पुत्र शुक्र है, लेकिन हाँ तुम लोगों को मेरा काम करना होगा। क्या काम? तुम लोगों का मेरा रिश्ता तय कराओगे कनीस से। उशाबशे, तू रू से शादी करेगा? अरे वो रू नहीं है, मुझे तो लगता है वो दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है। जो दिल ही दिल में तुमसे करने लगी है वो प्यार है? जी हाँ, और मैं अपनी अम्मी को फोन करने जा रहा हूँ उनको बताने के लिए कि मैंने उनके लिए बहू ढूंढ ली है। अब मैं उस रूह को बताऊंगा कि अगर वो रूह है तो हमारे पास भी देव है। कहाँ है भाई ये देव? आप किसी देव से कम है? नवेल महमूद साहब, चले मैं मुसर चल के रूह से बात करते हैं। चलो आजा 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 चलो आओ चलो 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 क्रीज, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या ऐसा? तो महमूद साहब कह रहे थे, बताए ना महमूद साहब। वो तो मुमताज कह रही थी कि तुम अपनी बात से पलट रही हो, झूठी हो तुम। मैं तो कहती हूँ मुमताज की गुत पकड़ के ना घुमा के फेंक दे उसको। मुमताज आप है माँ जी? हाय, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। तो फिर कहा किसने ये सब? इन सब लोगों ने कहा था और भी बहुत कुछ कहा था बाय द वे, क्योंकि तुमने इंटरव्यू नहीं दिया ना इसलिए। अच्छा, तो तुम लोग सुधरे नहीं हो, उल्टा मुझसे ही जवाब लेने आ गए। अभी मजा सिखाती हूँ तुमको। हाय रे, क्या जरूरत थी उस रूह को गुस्सा दिलाने की? देख लिया ना क्या असर किया उसने आप लोगों का। मेरी तो कमर ही तोड़ दिया, ऐसा मुक्का मारा है, जरा तमीज नहीं है इस कमीज को। मैं साबित करके रहूंगा कि वो रूह है, आप लोग मेरी बात गौर से सुने। आए आए, देखो करना ये है। क्या हुआ? अभी तो सबको बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था। अरे मुराद भाई, कनीज ने शादी के लिए आए हाँ कर दी है। एक काम करो मुराद भाई, आप कनीज को ना यहाँ हमारे सामने बुलाएं और प्रपोज करें। हाँ ये ले पुत्र, अंगूठी बना ले। ओह थैंक यू कनीज। कनीज आ गई। शादी करना चाहता हूँ प्लीज। नहीं, चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं।